प्रश्न संख्या 24 में कहता है कि त्रिभुज एबीसी दिया गया है, जबकि इसमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर ये कंडीशन दिया गया है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इस त्रिभुज का निर्माण कैसे हुआ। निश्चित रूप से ये कंडीशन जो यहाँ से यहाँ तक है ये बताता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्यों? तो इसमें सबसे बड़ी बात कि दो भुजाओं का वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। अब देखते हैं, पहले फिगर में आते हैं। निश्चित रूप से पाइथागोरस प्रमेय अगर आया तो समकोण त्रिभुज होगा ही। अब तीन भुजा में दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरे के बराबर, इसका मतलब ऐसी भुजा बड़ा है। और हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वो बड़ा होता है, तो ए सी इधर दे दिए तो निश्चित रूप से बी अब यहाँ होगा, क्योंकि त्रिभुज में जब ए सी लिए तो बच गया बी, तो समकोण यहाँ पर। अब प्रश्न कहता है और ए बी बराबर ए सी, ए बी ये भुजा और ए सी ये भुजा, दोनों भुजा अगर बराबर है तो कोण सी का मान होगा इसका मान। तो निश्चित रूप में हम देखते हैं अगर ये समकोण त्रिभुज है तो पी है और ये एच है, यहाँ पी बराबर एच। और अब हम लगा देंगे सम पीपुल हैव वाला फॉर्मूला, सम पीपुल हैव साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच, पी बट्टे एच साइन थीटा बराबर पी का मान एच के बराबर, तो एच बट्टे एच कट गया एक, या साइन थीटा बराबर एक। अब साइन किसका मान एक होता है? साइन जीरो, साइन साइन जीरो नहीं, साइन नब्बे, साइन नब्बे, इसीलिए थीटा